हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.61। इसमें कह रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ नाइट्रस एसिड, के ए दे रखा है नाइट्रस एसिड का 4.5 × 10⁻⁴, और नाइट्रस एसिड किसे कहते हैं, HNO2 को नाइट्रस एसिड कहते हैं। कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.04 मोलर सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट क्या होता है, NaNO2। Also, its degree of hydrolysis, H भी निकालना और pH भी निकालना है। क्लियर हो गए? ठीक है। अब सोडियम नाइट्राइट दोस्तों, देखो सोडियम और नाइट्राइट, अब इनमें देखो वाटर H2 होता है, तो इसको देखो, इसको दो बार पार्ट में डिवाइड करो, OH और H, तो NaNaOH और ये बनेगा HNO2। ठीक है, NaOH क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये क्या है, एक वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस है, ये क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड के कारण क्या होगा, वीक एसिड के कारण जो सॉल्यूशन बनेगा वो कंफर्म है कि बेसिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और उसका पीएच कितना होगा, पीएच के लिए फॉर्मूला होगा हाफ पी के डब्ल्यू, वीक एसिड है ना, तो प्लस पी के ए प्लस लॉग सी। ठीक है, तो पी एच इक्वल टू 1/2, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है, प्लस पी के की, पी के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, पी के इक्वल टू होता है माइनस लॉगरिथम के ए, तो माइनस लॉग के ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो ये आप लॉगरिथम टेबल में भी देख सकते हो और वैसे भी कर सकते हो, लॉग 4.5 प्लस लॉग 10⁻⁴। तो ये वैल्यू आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए लॉग की, जैसे लॉग 2 की, लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010, लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6020, लॉग 5 की वैल्यू होती है 0.6989, लॉग 6 की वैल्यू होती है 0.7081, है ना, ये कुछ वैल्यू याद कर लो, लॉग, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका मेथड सही होना चाहिए। ठीक है, तो लॉग 4.5, लॉग 4 की वैल्यू थी 0.6 60 20, है ना, तो लॉग 4.5 की इससे ज्यादा होगी, 0.6 से ज्यादा होगी, तो 0.65, और इसकी लॉग 10⁻⁴ है ना, तो इसकी वैल्यू -4, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.35 पी के ए की वैल्यू। अब इसमें पुट करो पी के वैल्यू 3.35, और अब लॉग सी की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी, लॉग सी को वैल्यू क्या है, देखो सी की वैल्यू है 0.04, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4 × 10⁻², मोलर, तो 4 × 10⁻²। ठीक है, अब इसको, इसकी वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, एक काम करो, इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं, इसको भी रब कर देता हूं। देखो लॉग 4 × 10⁻², की वैल्यू निकालनी, तो लॉग कैसे होगा, ये लॉग 4 प्लस लॉग 10⁻², लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.6 और इसकी वैल्यू होती है -2, तो ये हो जाएगा -1.4, लॉग सी की वैल्यू आ गई -1.4। ठीक है, तो इसकी जगह पूरा वैसे ही कर दो आप, -1.4, तो पी एच इक्वल टू आ जाएगा 1/2, और इसमें से एक काम करो, इनको ऐड करो 4 और 3.35, तो ये हो जाएगा 5, 3, और ये हो गया 7 और 1, 17, इसमें से 1.4 माइनस निकाल दो, तो ये हो जाएगा 5, इसमें से नहीं गया तो 6, 7, 8, 9, और यहाँ पे बचा 6, 6 में से एक गया तो 5, और ये लो 15.95, तो पी एच इक्वल टू आ जाएगा 7.7 और 1 / 9 = 18, 1 / 7, 7.97। ठीक है, मैंने बोला था ना वीक, देखो सोडियम NaOH स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, वीक एसिड के कारण वो हाइड्रोलिसिस होगा और ये क्या बनेगा, बेसिक सॉल्यूशन बनेगा, जिसका पीएच आएगा 7.97, और डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी चाहिए इसको। चलो भाई डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी निकालेंगे, आप कहोगे तो
ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का फॉर्मूला होता है H इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के डब्ल्यू के ए इंटू सी। तो के डब्ल्यू की वैल्यू होती है 10 to the power -14, के ए की वैल्यू दे रखी है 4.5 × 10 to the power -4, और सी की वैल्यू क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 10 to the power -2। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इसको कैसे सोल्व करोगे? इसको देखो, इसको और इसको, इसको ऊपर भेजा है तो 10 to the power +6 हो गया, ठीक है, और इसको सबको इनको हटाओगे तो 10 to the power -6 निकालो तो -8, ठीक है। अभी मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको डिवाइड करने 100 × 10 to the power -10 डिवाइड बाई 4.5 × 4, तो ये जाएगा 25, है ना, 25। और एक काम करो, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको 25 में से 4.5 का दोगे तो यह आ जाएगा 5.5 × 10 to the power -10। तो H इक्वल टू इसका तो आ ही जाएगा 10 to the power -5, और इसका 4 का 2 होता है तो ये 2 से ज्यादा आएगा, 2.36। क्लियर? ठीक है, तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस H इक्वल टू आ गया 2.36 × 10 to the power -5।